तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमें देखना है रेशों से वस्त्र तक का जो सफर रहा है उसके बारे में। ठीक है, रेशों से वस्त्र तक, याद रखिए इसे एक कहानी का रूप देकर पढ़िए या फिर सुनिए। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा आपको जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे एक दो बार, आराम से आपको जो भी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाएगी। कक्षा 6वीं में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर में किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिनसे साड़ियां बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जानता हूं रेशे ऊन और रेशम। सबसे पहले बात करते हैं ऊन की। भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। ये आपके ऊपर बाल दिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे आगे। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रुएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे रोखे प्रतीत होते हैं, कौन से मुलायम? हमारी तरह भेड़ की रुएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, एक दाढ़ी के रूप वाले और दूसरे त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल होते हैं ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का प्रयोग विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणे युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक ऊन को तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक से भी हमें ऊन मिलती है, यह है आपका याक। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू और एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। यह आपका अंगोरा बकरी। चलिए चित्त में ही देख लीजिए, कई लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। इसे तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। ऊंट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। यह आपका लामा हो गया और एल्पेका। उन जंतुओं के चित्त एकत्र करना है जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्किन पुस्तक में चिपकाना है। आपको नहीं चिपकाते बैठ जाना है।
अगर आप ऐसा करते बैठ गए तो 1 साल 2 साल ऐसी इसी में लग जाएगा। इसलिए आपको वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है और निकल जाना है जो आपके लिए जरूरी है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट या किस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाना। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिससे ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करना है। अब बात करते हैं रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़रियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं, वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकालने लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम नीचे दिए गए सारणी में इसमें देख लेंगे, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करता है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। निम्नलिखित चरण होते हैं, इसमें चरण एक, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए उपयोग की जाती है। सामान्यतः बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है बालों को, ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करती हैं। इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जैसा कि आप बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊंची वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे आपके उग जाते हैं। ठीक है, ये आपकी भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, नस्ल का नाम हो गया, ऊन की गुणवत्ता और राज्य जहाँ पाए जाते हैं। लोही नस्ल का नाम है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है इससे। ये आपका राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर, बुशायर ये आपकी भूरी ऊन प्राप्त होती है इससे। ये आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से में पाई जाती है। नाली या नली, गलीचे का ऊन इससे प्राप्त होता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलती है। बाखरवाल, ये ऊनी सॉल के लिए अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है इससे। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी रोज ऊन, ये आपकी गुजरात में मिलती है भेड़। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, ये गुजरात में मिलती है। ठीक है, ये आपकी कुछ भेड़ों की नस्लें हो गई, उनसे प्राप्त ऊन और जहाँ ये भेड़ें पाली जाती हैं वो क्षेत्र हो गए। इसी प्रक्रिया में दूसरा चरण आता है हमारा, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के निम्न आपके यहाँ से चिकनाई, जब टंकी में डालते हैं तो चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं,
यह विक्रम अभी मार्जन कहलाता है। आजकल अभी मार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाने लगा है। देखिए ये भेड़ भेड़ की ऊन उतारने वाला दिख रहा है, फिर मशीनों द्वारा टंकियों में डाला जाएगा। दूसरा चरण क्या होगा? टंकियों में। तीसरा होगा मशीनों द्वारा अभिमार्जन, और चौथा होगा ऊन का धागा में बनाया जाना। रेशे को ऊन में परिवर्तित करने के विक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बार की चटाई, रंगाई और रेलिंग। ठीक है, व्यवसायिक संकट की बात करें तो ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि जीवन को चलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन छटाई करने वालों का काम जो कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रोग का कारक जिसे शॉर्ट रश रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। इसी प्रक्रिया में आपका चरण तीन आता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। रहता है आपका चरण हो चौथा चरण। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट दिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये बर वाले होते हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन है। फिर चरण फाइव, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली या फिर भूरी या अथवा सफेद होती है। अंतिम चरण है जो छठवां, अंतिम चरण को रेलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है। रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। बूझो या जानने को सिख है कि सर्दियों में सूती कपड़े में उतना ही गर्म क्यों नहीं देते हैं जितना ऊनी स्वेटर। अब बात करते हैं रेशम। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए, क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है? रेशम, सिल्क, ऐसे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम का जो कीट पालन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अपनी माताजी, चाची, दादी, माँ ने से विभिन्न प्रकार के रेशम अथवा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध करना। इससे पहले हम रेशम प्राप्त करने के विक्रम पर चर्चा करें। रेशम के कीट जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। याद रखिए, हमें ये प्रयोगशाला में करने नहीं बैठ जाना है, ठीक है? ये आपको पढ़ना है, इतना जरूरी था आपके लिए। देखिए क्या कहलाता है, रेशम के रेशे को जानता हूं रेशे रेशम रेशे कहते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट कहलाता है या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। ये इतना आपके लिए जरूरी है। अगर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्रियाकलाप करना प्रयोगशाला में, ये उनके लिए जरूरी है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है? इस तरह के रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं, जैसे कीटर पिलर पिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कीटर पिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बना दे जाता है। जब भी कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के
रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट काज के आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का जो धागा होता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अथवा रुक्षता चिकनाहट चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम मूगा रेशम कोसा रेशम अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्मों के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत बहुत प्राचीन व्यवसाय भारत का भारत व्यवसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। भारत में रेशम उत्पादन में समेत विभिन्न प्रकार के उद्यमों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के लिए पालन को कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत प्रमुख रेशम उत्पादकों उत्पादक देशों में गिना जाता है लेकिन चीन आपका पहले स्थान पर है। देखिए ये आपकी रेशम कीट हो नर रेशम कीट ये आपका मदा है। सहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं फिर रेशम कीट बनते हैं फिर कोकून इस तरह कोकून में विकासशील कीट ये आपकी रेशम कीट का जीवन चक्र। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए उन्हें अपने स्केच पुस्तिका में चिपकाइए। आपको एक दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतनों की ढेरी मिल सकती है। अपने माताजी चाचाजी या फिर शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्मों की रेशम जैसे सहतूत रेशम टसर रेशम एरी रेशम मूगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनियादी बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। कृत्रिम रेशे संश्लेषित रेशे शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी जलाइए पूर्वक जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इससे जलने की गंध कृत्रिम रेशम रेशम के जलने जैसी होती है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? या जानने के लिए रेशम के कीट जीवन चक्र को कोकून अवस्था का आती है करने का प्रयास की। अब बात करते हैं कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्य कार्य स्थितियों उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से लार्वा निकल जाए। अब यह तब किया जाता है जब सहतूत के बच्चों में नई पत्तियां आती हैं। लावा को जो कैटरपिलर अथवा रेशम के कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफी बड़े हो जाते हैं। लावा को सहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियां रख दी जाती हैं जिनके कोकून जुड़ जाते हैं। कैट
पिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जैसे भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन की बात करें तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रेलिंग कहलाती है। रेलिंग विशेष मशीन से में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन धागों को से वस्त्र बुनाई की जाती है। रेशम की खोज की बात करें तो रेशम का खोज यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती दंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद किन्तु शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृत्रिम कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याली में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख शब्दों की परिभाषा देखिए। कोकून, कार्तिनून, रेलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर, संसाधन। याद रखिए हम लोग जब अध्याय पूरा खत्म कर लेते हैं और ये कुछ शब्द दिए जाते हैं, अगर इनकी परिभाषा आपको समझ में नहीं आई तो कृपया करके आप लोग एक बार और लेक्चर को पढ़ लें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो छोड़ दें, बस कंप्लीट हो गया। इसमें क्या सीखा है, इसमें एक अच्छी बात और है क्योंकि इसका जो भी सार होता है नीचे दोबारा लिख दिया जाता है। आपने इस अध्याय में सीखा है कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम ऊन जानता रेशे हैं। ऊंट लावा लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन बच्छटाई की जाती है, फिर सुखाने के लिए उन्हें काट कर उनसे ऊन की प्राप्ति की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के जीवों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस क्रम को रेलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। ठीक, ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए, लगा सकते हैं अगर आपको जरूरी है। ठीक है, और टेलीग्राम पर आपकी ये PDF डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए अपने पास। एक बार उससे भी पढ़ लोगे आप लोग तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हो जाएंगे आपके। तो चलिए, ये था आपका तीसरा चैप्टर। अब चौथे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऊष्मा के बारे में।